इस काली घनी अंधेरी रात में भी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लाइट से आपको कुछ दिखाते हैं। या कोई भी नहीं दिख रहा। बहुत हुई भूतिया पंती, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाइसिकल स्पीडोमीटर, बाइसिकल हॉर्न और बाइसिकल लाइट, और ये सब कुछ हमें मिलेगा एक ही प्रोडक्ट में देखने को। तो जल्दी से बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और बाहर निकालते हैं अंदर के भूत को, हमारा हॉर्न, स्पीडोमीटर, लाइट जो भी है। बॉक्स के अंदर से हमें इतनी सारी एसेसरीज मिलती हैं इस प्रेम पत्र के साथ, इसे पढ़ के आप संतुष्ट हो सकते हैं। अब हम सारी एसेसरीज के रैपर को हटाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मिला है। सो वाओ, इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इस छुटकू की, तो ये है एक मैग्नेट जिसे हम अपनी साइकिल के पहिए के स्पोक में सेट करेंगे। फिर हमारे पास है ये USB 2 माइक्रो USB केबल हमारे मेन लाइट प्रोडक्ट को चार्ज करने के लिए। फिर ये है मैग्नेट सेंसर जिसे हम अपनी साइकिल के पहिए के पास सेट करेंगे। फिर ये है हमारे पास हॉर्न कंट्रोलर जिसमें दो बटन लगी हुई हैं हमारे हॉर्न को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ हमें दो फंतुड़ू और मिल जाते हैं मैग्नेट सेंसर को सेट करने के लिए। अब आइए सीधे वार्तालाप करते हैं इस मेन प्रोडक्ट के बारे में। तो भाई साहब, यही है एक हॉर्न, स्पीडोमीटर और एक लाइट। तो सामने की ओर आप देख पा रहे हैं जो लगी हुई है छोटी सी डिस्प्ले जिस पर कुछ डेटा शो होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो यहां पर आपको 2-3 बटन शो हो रही हैं जिसमें ऊपर वाली बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर लाइट ऑन कर सकते हैं, और नीचे की बटन प्रेस करने पर देख सकते हैं कि हम कितनी साइकिल को चला चुके हैं, जैसे कि टोटल डिस्टेंस, मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड टाइम। यही सब सो होता है, डिटेल्स में आपको आगे बताएंगे। अगर आप इन दोनों बटन को प्रेस करते हैं साथ में तो इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये छेड़छाड़ आप करते रहिएगा। नीचे साइड हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है इसके अंदर पड़ी हुई पॉलीमर बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो कि है 1500 mAh की। सो अब आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं अपनी साइकिल के पास और सेट करते हैं अपने इस स्पीडोमीटर, हॉर्न, बाइसाइकिल स्पीडर जो भी है। कंप्लीट सेटअप करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी बाइसिकल का लुक आता है। ये स्पीडोमीटर अभी हमारी देसी साइकिल पे सेट है तो इस तरह का लुक आ रहा है। यदि किसी स्पोर्ट बाइक पर सेट होता तो कुछ अलग लुक आता। सो आइए अब टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या मज़ा देता है हमारा ये स्पीडोमीटर, लाइट, हॉर्न, व्हाटएवर जो भी है।
अब हम देखते हैं कि डिस्प्ले पर किस तरह की डेटा शो हो रही है। तो सबसे पहले शो हो रही है डिस्टेंस, तो हमने कुछ 1.15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। आगे शो होती है मैक्सिमम स्पीड, तो हमने मैक्सिमम स्पीड 20 की स्पीड से साइकिल को चलाया है और एवरेज स्पीड रही है 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब हमने साइकिल को तेज चलाई तो कुछ 20 की स्पीड पर चलाई और एवरेज हम धीरे धीरे 8 की स्पीड पर आगे बढ़े, और जो टाइम लगा हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में वो है 8 मिनट जो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है अपनी बाइसिकल की और अभी इसकी रोशनी आप लोग देख सकते हैं कि ठीक ठाक आ रही है। आराम से रात में हम चल सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, लफड़ियाबाजी कर सकते हैं पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो प्रोडक्ट तो काफ़ी मस्त है, बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसके जो प्राइस हैं वो भाई साहब थोड़े ज़्यादा ही हैं। कुछ प्राइस थोड़े कम होने चाहिए, ऑलमोस्ट 500 या 600 के आसपास हो तब भी काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट मस्त है, अब उस हिसाब से अगर आप लेना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा है। बाकी मुझे तो प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया लगा, क्वालिटी भी मस्त है और इसकी परफॉर्मेंस भी मस्त है। मैं आपको इसका हॉर्न भी सुना देता हूँ। इसके जो इधर वाली बटन है इधर की साइड, उसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता, बस धीरे से ही उंगली रखो और हॉर्न हमारा बजने लगता है। बस हल्के से उंगली रखनी पड़ती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि गली में पूरा अंधेरा है, इसकी लाइट ऑन करता हूँ साइकिल की। यो, तो यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको साइकिल का एक कमाल का प्रोडक्ट दिखाया। वैसे एक नहीं, इसमें तो कई फीचर्स हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह के लाइट और स्पीडोमीटर और हॉर्न को खरीदने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए खरीदिए और मौज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।